मथुरा के गोवर्धन में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा 25 और 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले छप्पन भोग महोत्सव के लिए शनिवार को आगरा में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा भव्य आमंत्रण शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री अरविंद महाराज, श्री गिरिराज जी सेवा मंडल के संस्थापक नितेश अग्रवाल, सह संस्थापक मयंक अग्रवाल, बल्केश्वर महादेव मंदिर के महंत कपिल नागर, अध्यक्ष रविन्द्र गोयल ने श्री गिरिराज जी की आरती और श्रीफल फोलकर किया। बैंड बाजो संग मूसक पर सवार विघ्न विनाशक श्री गणेश की सवारी, उसके पीछे सतरंगी फूलों से सजा खाटू नरेश का डोला और शोभा यात्रा में झूमते नाचते सैकड़ों भक्तों के साथ श्री गिरिराज जी महाराज की झांकी के दर्शन को हर कोई उत्साहित था और गोवर्धन महाराज के जयकारों संग शोभा यात्रा में शामिल भक्तों पर पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। आमंत्रण शोभा यात्रा रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर जौहरी बाजार, दरेसी, छत्ता बाजार, बेलनगंज, पथबारी, धोलियागंज, पुलट्टी बाजार, किनारी बाजार होते हुए पुनः मनकामेश्वर मंदिर पर आकर संपन्न हुई। आगरा के लोगों को जागृत करना कि गोवर्धन में आके छप्पन भोग के अंदर अपनी भूमिका रहे, उसके जरिए भी आज यात्रा के लिए मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नीतीश अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी परिवार को जोड़ के ऐसी यात्रा निकालते भोग लगाते रहे। आज गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आज ये 14वां छप्पन भोग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज ये एक भव्य आमंत्रण यात्रा निकाली जा रही है, जिस राज्य में 26 तारीख को और 25 तारीख को भव्य छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन है, जिसमें भजन संध्या, बहुत महाप्रसाद, साधु सेवा इत्यादि का कार्यक्रम और दिव्य छप्पन भोग महोत्सव का आयोजन होगा और 25 तारीख को परिक्रमा लगेगी और एक महाभिषेक किया जाएगा।